तो गांव वालों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन कूलम्स लॉ। ठीक, तो देखिए अपने पास बेसिकली चार टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कूलम्स लॉ पे। मैं एक एक करके यहाँ पे दिखाते चले जाता हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो आएगा अपने पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, वो आएगा फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ सिस्टम। ठीक, दूसरा आएगा अपने पास फोर्स ऑन चार्जेस इन अ मीडियम। तीसरा आएगा आपके पास अ चार्ज बॉडी इज सस्पेंडेड इन एयर। एंड चौथा और जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है अपने से बोर्ड में, दैट इज कि द प्लेसमेंट ऑफ थर्ड चार्ज to make the system in equilibrium, right? अब देखिए जो पहला टॉपिक है ना अपने पास, उसमें भी तीन टाइप होते हैं। देखिए मैं टाइप इसलिए बता रहा था कि आप इजीली रिमेंबर कर सके, इसको याद रख सके आप। तो देखिए पहला जो था अपने पास, उसमें है फोर्स ऑन चार्ज इन अ सिस्टम में है। तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन थ्री चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन फोर चार्जेस, राइट? तो हम अभी पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक कवर करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द टू टॉपिक विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो चलिए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं। तो हमें सबसे पहला टॉपिक अभी जो कवर करना है वो है फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में, सिस्टम मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा चार्जेस होंगे अपने पास, तो सबसे पहले एक बेसिक रिवीजन ले लेते हैं। वैसे मैंने फोर्स पे कूलम्स लॉ पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहते हो उसको डिटेल में पढ़ना तो देख सकते हैं उसको। अब बेसिक रिवीजन ले लेते हैं, सबसे पहले बेसिक रिवीजन ले लेते हैं, हम बेसिक कवर कर लेंगे कि हमें पता है कि ऑलरेडी अगर दो चार्जेस है, Q1 है, Q2 है और इसके बीच की दूरी R है, तो इसमें एक दूसरे में जो फोर्स लगाएंगे, जो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, तो अभी तो फिलहाल दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे। हमें पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो तो वो रिपल्सन दिखाते हैं, हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, रिपल्सन दिखाएंगे। एंड दूसरा अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो वो अट्रैक्शन दिखाते हैं, हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक, तो गांव वालों देखो अभी दोनों तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर कुछ भी नहीं देखा तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्जेस है तो जो कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स आता है वो फोर्स कितना आता है, K1 Q2 / R2, वी हैड ऑलरेडी कवर्ड दिस। एंड के की जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 9×10⁻¹ और यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट? बस इतना से बेसिक रिवीजन लेना था हमें, हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो आएगा अपने पास फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ सिस्टम में, वो आएगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस का सिस्टम होगा अपने पास उसमें देखेंगे। तो मान लीजिए कि अब मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि आप एग्जांपल देके समझ पाए। ठीक, देखिए सबसे पहला आता है अपने पास, मान लीजिए कुछ भी 3 μC का चार्ज है और इससे 2 मीटर की दूरी पे एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है जो कि 2 μC का है, राइट? अब हमें क्या बोला गया कि ये ए वाला चार्ज है, ये बी वाला चार्ज है, फाइंड आउट कीजिए कि बी वाले पे ए वाले ने कितना फोर्स लगाया। तो मैं पहले बेसिक्स क्लियर कर दूं। देखिए जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा एग्जैक्ट उतना ही फोर्स बी भी ए पे लगा रहा होता है, बस डिफरेंस क्या होता है कि जो ए है वो बी को इधर क्यों रिपेल करेगा कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और जो बी है वो इसको इधर क्यों रिपेल करेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, कैसा लगता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगता है, जो कूलम फोर्स लगता है। ठीक, अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो मैं दोनों को इसको मैं कह देता हूं एफ बी, बी ने लगाया ए पे, राइट? और इसको मैं कह देता हूं एफ ए, ए ने लगाया बी पे, राइट? अब दोनों का एफ ए का बराबर होगा एफ बी के साथ, एफ ए जो है वो एफ ए बी के बराबर होगा, लेकिन उसका मॉड मैग्नीट्यूड बराबर होता है, डायरेक्शन तो अलग अलग होता है ना। एंड वी विल कंसीडर इट एज एफ, एंड एफ का फॉर्मूला क्या आएगा कूलम्स लॉ के हिसाब से, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 / R2। तो अब बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि के की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁹, राइट? तो 9×10⁹ Q1 मतलब पहला चार्ज, अब किसी को कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं। अब ये 3 μC लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 μC। अब 3 तो 3 और माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶, तो इसलिए हम यहां पे लेंगे 10⁻⁶। अगेन Q2 लेने जाएंगे तो इट इज 2 μC, तो 2 तो 2 और माइक्रो के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं 10⁻⁶, राइट? एंड डिवाइडेड बाय R2, R मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज 2, 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो मैं डायरेक्टली यहां पे 4 लिख देता हूं। ठीक, अब आप इसको कट कर सकते हैं, 2 2 4 होता है, अब मैं एक बार और कट कर देता हूं उसको, 4.5 आ जाएगा, तो इट विल बी, अब 10⁻⁶ ये सॉल्व कर लेते हैं, देखिए -6 और -6 तो बेस सेम तो पावर ऐड करते हैं, तो इट विल बी -12 एंड -12 प्लस में 9, -12 + 9 इज -3, वेरी गुड, तो इट विल बी 4.5 × 3×10⁻³। एंड अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके यहां लिख सकते हो, यहां लिखता मैं आगे लिख देता हूं, जो हमारा सॉल्व करके आएगा इट इज 4.3×10⁻³, तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ एंड 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 1 = 12 × 13.5, तो इतना न्यूटन हमारे पास फोर्स आ जाएगा, गॉट इट? अब यही फोर्स इसने इस पे लगाया था और इसने इस पे लगाया था। ठीक है, अब हम दूसरे पहुंचते हैं, तो गांव वालों अब तीन चार्ज का सिस्टम देखेंगे, बहुत आसान होता है एक्चुअली, बच्चे इसको देख के डर जाते हैं भाई साहब, थ्री चार्ज का सिस्टम है, तीन चार्ज का सिस्टम है अपने पास, थ्री चार्ज सिस्टम, ऐसे लिख देता हूं टॉपिक, थ्री चार्ज सिस्टम जिसमें एक्चुअली में ट्रायंगल बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है ना। देखो तो अपन क्या एग्जांपल लेते हैं कि
एग्जांपल लेके चलेंगे डायरेक्टली। एग्जांपल ले रहे हैं हम कि अपने पास तीन चार्जेस हैं, एक दो माइक्रो कूलम का है, एक अपने पास तीन माइक्रो कूलम का है एंड अपने पास चौथा जो है वो चार माइक्रो कूलम का, राइट। इनके बीच की दूरी रहती मैंने आपको 3 मीटर, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपसे बोला गया कि ये ए है, ये बी है, अनकॉमन है और ये सी है, ठीक। मैं सी को यहां मार्क कर देता हूं एंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन सी, सी वाले पे नेट फोर्स निकाल के बताइए कैसे निकाले। तो बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें एक थोड़ा सा पार्ट वेक्टर का यूज होता है इसलिए बच्चे घबराते रहते हैं। अपने को क्या बोला गया कि सी पे नेट फोर्स निकाल दिए, तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि भैया अच्छा इसने इस पे इधर की ओर फोर्स लगाया। गरीबो देखो फोर्स जिस पे पूछा जाए आपसे सिर्फ उस पे कौन कौन लगा रहा है ये देखना होता है। 4 माइक्रो कूलम पे नेट फोर्स निकालना है तो 4 माइक्रो कूलम पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, 4 माइक्रो कूलम पे पहले तो ए वाला लगाएगा और दूसरा बी वाला लगाएगा। ए वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, बी वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे इसको रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। अब किधर धक्का मारेंगे, देखो बी वाला जो है लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस यानी कि इस 3 माइक्रो कूलम जो है 3 माइक्रो कूलम है, 3 माइक्रो कूलम क्या करेगा 4 माइक्रो कूलम को बाहर की ओर धक्का मारेगा। इसको एफ बी मार्क कर देता हूं मैं कि बी ने इस पे फोर्स लगाया, गॉट इट। एंड ए वाला क्या करेगा, इसको नीचे की ओर धक्का मारेगा तो इट विल बी एफ ए मार्क। सबसे पहला काम होता है, देखिए तीन स्टेप पे खत्म करता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि फोर्स मार्क कर दो, आप फोर्स मार्क कर दो, मार्क कर दो मतलब फोर्स दिखा दो, ठीक। दूसरा उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे देखिए। और तीसरा जो होता है वो होता है वेक्टर सम कर दो, वेक्टर सम। बस तीन स्टेप में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने फोर्स मार्क कर दिया, दूसरा हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड किसका एफ ए का, एफ बी का। तो एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो इट विल बी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। फोर्स का फॉर्मूला तो वही होता है अपने पास, तो हम क्या बोलेंगे f इज इक्वल टू k, k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ इनटू में q1, किसी को भी मान सकते हो तो मैं इसको मान रहा हूं q1, राइट। तो इट विल बी 2 × 10⁻⁶ -6 क्यों लगाया, क्योंकि माइक्रो कूलम लिखा हुआ था, है ना। अब तीसरा है अपने पास k, ये हो गया k, ये हो गया q1 और q2 लगाना, q2 इज 4 × 10⁻⁶, राइट। And divided by, इसको divide कर देंगे किससे, r square से, क्योंकि force का formula तो वही होता है, F is equal to force का formula क्या होता है, k q1 q2 upon में r square, हमने k लिख दिया, q1 लिख दिया, q2 लिख दिया, r square मतलब 3 का square, that is 9, तो उसको काटेंगे, it will be equal to कितना, देखो, फिर से 4 × 2 = 8 बचा into में -6 will be -12 and -12 plus में 9 is -3, 10⁻³ newton, F A is equal to इतना आया अपने पास। पावर जितने सॉल्व करोगे -3 ही आएगा, बस यहाँ पे 2 और 4 था इसलिए 8 आया, यहाँ पे 2 और 4 और 3 है इसलिए 12 आएगा, तो इट विल बी 12 × 10⁻³। आप लोग खुद ही सॉल्व करके देखोगे फॉर्मूला लगा के देखो कि एफ बी इतना आ रहा है नहीं आ रहा, एफ बी का फॉर्मूला क्या लगाओगे यार, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, राइट। अब मैं जल्दी से बोर्ड रफ करता हूँ, देन इसका सॉल्यूशन करें। तो गांव वालों हमने एफ ए निकाल लिया, सिमिलरली करके एफ बी निकाल लिया, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर इस्तेमाल किया, राइट। एंड अब क्या करना है, देखो अपने पास एक वेक्टर किधर, इधर की ओर, और दूसरा वेक्टर किधर की ओर, नीचे की ओर, और इसके बीच में अपने पास एंगल होगा कुछ ना कुछ, और जब भी देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो जब भी दो वेक्टर के बीच में कोई एंगल हो और वो इन दोनों को एड अप करना हो तो हमें वेक्टर सम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि हमने 11th में कवर किया था, दैट वाज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। देखिए उसी का इस्तेमाल करेंगे, दोनों का फॉर्मूला सेम ही था लेकिन एक्चुअली में एंगल कितना है, सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एक एंगल कितने का बन जाएगा 60 डिग्री, तो इट विल बी 60 डिग्री, राइट। एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी 60 डिग्री बन जाएगा, तो वेक्टर सम का फॉर्मूला याद है किसी को, क्या करो सर यही तो नहीं आता मेरे को, है ना। तो गांव वाले वेक्टर सम का वहां पे रिजल्टेंट फॉर्मूला हुआ करता था, वही लिख देता हूं मैं अकॉर्डिंग टू, दोनों फॉर्मूला लिख देता था अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम, वेक्टर सम डायरेक्टली लिख सकते हैं, नाम नहीं लिखेंगे चलेगा। आर यानी कि रिजल्टेंट जो होता है वो होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, राइट। अब याद आ गया होगा बहुत बच्चों को, तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट मतलब क्या है कि इन दोनों फोर्स को जोड़ के निकालेंगे, जोड़ के जो रिजल्टेंट निकलेगा कहाँ निकलेगा, बिल्कुल बीचों बीच, दैट विल बी एफ नेट मान लेते हैं, ठीक। जो एफ नेट का फॉर्मूला लिखेगा, आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू अब ए की जगह में पहला वाला फोर्स, बी की जगह में दूसरा वाला फोर्स, यानी कि हम क्या लिखेंगे एफ ए का स्क्वायर प्लस में एफ बी का स्क्वायर प्लस में 2fa fb cos थीटा, एंड थीटा इज 60 डिग्री, cos 60 लिख देंगे, राइट। अब इसको बस वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व आउट करना है,
तो इट विल बी एफ ए का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर. इट इज 8 का स्क्वायर कितना, चलो मैं लिख देता हूँ, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में दूसरा कितना है अपने पास 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 2 एफ ए यानी कि 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड एफ बी यानी कि 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड cos 60 इज cos 60 याद है किसी को? हाँ हेलो, इट इज 1/2 राइट, बहुतों को याद होगा बहुतों को याद नहीं होगा. तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे एंड वी विल लेफ्ट विद 8 का स्क्वायर. देखो स्क्वायर जब करते हैं तो 8 का भी स्क्वायर होता है और जब पावर की बात करते हैं ना 10 का स्क्वायर मत करना, 100 की पावर 10 के पावर माइनस 3 में हो जाएगा, इट विल बी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है. उसको लिखेंगे 64 8 का स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ता है तो दैट इज 10 की पावर माइनस 6. गॉट इट? चलिए यहां पे करके देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 144 एंड 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर इट इज 10 की पावर माइनस 6 अगेन राइट. अब इस वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 8 जा 96 एंड 10 की पावर माइनस 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 इट इज अगेन 10 की पावर बेस सम की पावर ऐड ना तो माइनस 6 हो जाएगा राइट. एंड आप क्या करोगे 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो इट विल बी 10 की पावर माइनस 6 हमने यहां पे कॉमन ले लिया क्या बच जाएगा 64 प्लस में 144 प्लस में 96 एंड नाउ बस आपको उसको ऐड करना है एलसीएम लेके बाहर निकालना. मैं इसको बाहर निकालता हूं पूरा सब मैं निकाल लूंगा. नहीं बिल्कुल नहीं. देखिए तो ये ऐड करके आप खुद लिखोगे 64 में टाइम जाएगा अपने पास 44 प्लस में 96 और अगर मैं 10 की पावर माइनस 6 को रूट से बाहर निकालू तो डबल भी. देखिए जब रूट में जाता है तो डबल और बाहर निकालते हैं तो सिर्फ आधा पावर निकलता है यानी 10 की पावर माइनस 6 है तो 10 की पावर माइनस 3 बाहर निकलेगा रूट से. गॉट इट? एंड आप रेस्ट सॉल्व करके खुद लिखोगे. तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूं और न्यूटन लिखना यूनिट लगाना मत भूलना बहुत सारे बच्चे इसी माध्यम में कटवा बैठते हैं अपने. गॉट इट? तो ये हो गया अपने पास तीन चार्ज का सिस्टम. सबसे पहले क्या करना होता है फोर्स मार्क करना होता है कि किस जिस पे पूछा गया उस पे कौन कौन फोर्स लगा और किधर क्यों लगाया राइट. दूसरा क्या करना होता है मैग्नीट्यूड निकालना होता है कि ए ने और बी ने लगा तो कितना लगाया कितना फोर्स न्यूटन ने. एंड तीसरा वेक्टर सम का इस्तेमाल करके हम रिजल्ट निकालते हैं. इजी था. एंड नाउ हम चार्ज सिस्टम पे जाएंगे उसमें सिर्फ एक व्यू दूंगा ट्रिक दूंगा आपको ताकि आप सॉल्व कर सको डरो ना उसको लेके कैसे सॉल्व करता है उसको. ठीक चलिए मैं जल्दी से इसको रन करता हूं एंड देन पोस्टर पे जाए. तो गांव वालों तीसरा अपने पास फोर चार्ज का सिस्टम है ना. चार चार्जेस का सिस्टम है सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस देता है सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस. ठीक ये भी बहुत आसान है बस एक बेसिक ट्रिक तो है. देखिए फॉर एग्जांपल ले तो डायरेक्ट एग्जांपल एक समझाएंगे अपन आपको. सबसे पहले क्या अपने पास चार्ज सिस्टम ले लेते चार चार्जेस लेते अगेन 2 माइक्रो कूलम देन 3 माइक्रो कूलम सेम सीरीज नॉर्मली कोई सर क्वेश्चन लेते हैं 4 माइक्रो कूलम का एंड 5 माइक्रो कूलम का अपने हिसाब से ले लिया हमने. इसको स्क्वायर और रेक्टेंगल वो कुछ भी बना सकते हैं लेकिन फिलहाल हम स्क्वायर बना लेते हैं. तो इट इज मान लेते हैं 2 मीटर का है नहीं 2 मीटर नहीं मानेंगे सर कुछ और मानेंगे दैट इज 4 मीटर मान लेते हैं 4 मीटर एंड 4 मीटर एंड 4 मीटर एंड 4 मीटर राइट स्क्वायर मान लिया. आपसे बोला गया कि ये ए है ये बी है और ये सी है और ये डी है देन फाइंड आउट कीजिए कि सी पे नेट फोर्स कितना लगेगा. क्वेश्चन बोल दिया गया कि फाइंड नेट फोर्स ऑन सी सी वाले चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड कीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया. तो हमारे पास कितने काम थे अगेन वही बेसिक तीन चीजें थी. सबसे पहला काम क्या होगा अपने पास मार्क द फोर्सेस फोर्सेस को मार्क कीजिए पहले किस कौन कौन फोर्स लगा रहा है. दूसरा क्या करना दूसरा क्या करना था अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना था फोर्स का कौन कितना लगा रहा है मैग्नीट्यूड फाइंड करना था राइट. एंड तीसरा क्या करना था वेक्टर सम का इस्तेमाल बस खत्म वेक्टर सम का इस्तेमाल बस इतना सा काम करना है. तीन काम करते हैं आपका नेट फोर्स निकल जाएगा. तो मुझे क्या बोला गया कि सी वाले पे नेट फोर्स निकालो ना तो सी वाले पे नेट फोर्स मार्क कर देंगे. हम बोलेंगे भैया एक काम कीजिए देखिए बी वाला जो है वो भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो बी विल क्या करेगा बी विल रिपेल इट. तो रिपेल किधर की ओर नीचे की ओर एफ को एफ बी मार दे सही बात है. डी वाला भी पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है डी क्या करेगा उसको रिपेल करेगा. नेट फोर्स इस पर निकालना है तो फोर्स इसी पे दिखाते हैं जिस पे आपसे नेट फोर्स पूछा जाए उसी पे एरो करके दिखाते हैं कि इस पे कौन कौन फोर्स लगा है राइट. एंड ए वाला जो पॉजिटिव चार्ज है सर ए वाला भी रिपेल करेगा लेकिन किधर क्यों द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस जिस लाइन से दोनों चार्ज जॉइन हो रहे होते हैं उसी लाइन पे फोर्स लगता है. तो ए वाला जो है इसको सी वाले को नीचे की ओर धक्का लगाएगा दैट विल बी एफ सी. एंड नाउ आपको क्या करना है बस तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड निकालना है. यहां निकाल लेते हैं देखिए अपने पास सबसे पहले दैट लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. अब कूलम साहब ने अपने को फोर्स का फॉर्मूला क्या देता है इट वाज के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर. देखिए फोर्स के क्वेश्चन का सॉल्व करते समय आप चार्जेस के साइन कंसीडर मत किया कीजिए क्योंकि ये मॉड होता है यानी कि अगर यहाँ पे माइनस भी होता तभी मैं प्लस में यूज करता उसको क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता है अपने. ठीक तो एफ ए निकालते हैं एफ ए इज इक्वल टू कितना एफ ए बिकम के इंटू में क्यू वन कितना है एफ ए कहाँ लग रहा है एफ ए तो है ही नहीं तो एफ बी मान लेते हैं. ठीक है एफ ए है एक्चुअली यहाँ वाला एफ ए मार्क करेंगे
तो एफ बी पहले निकाल लेते हैं। तो एफ बी कितना होगा, एफ बी इन दोनों के बीच में लग रहा था राइट। तो के करके वैल्यू नहीं पुट कर रहा मैं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको ट्रिक दूंगा कि एफ बी कितना के करके क्यू वन कितना इसको मान लेता है, किसको मान लेता है, थ्री इंटू माइक्रो कूलम में मतलब 10^-6 इंटू में बी 4 × 10^-6 वो भी माइक्रो कूलम में था डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यानी कि 60 अब इसको सॉल्व करके मैग्नीट्यूड निकाल दोगे राइट। ऐसे करके एफ डी भी निकाल लेंगे, एफ डी किनके बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में। तो फिर से k इनटू में पहला ये चार्ज कितना है 5 माइक्रो कूलम, तो 5 × 10^-6 इनटू में ये 4 माइक्रो कूलम है ना, क्या लगेगा 4 × 10^-6 राइट एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 4 मीटर। तो 4 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अगेन आप इसको सॉल्व करके निकाल लोगे। एंड द लास्ट वन जो इंपॉर्टेंट है गांव वालों, जहां बच्चे गलती करते हैं, इट इज FA। अब FA में k का k तो चलेगा, q1 कितना है 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10^-6 को कर देंगे इनटू में q2 कितना है 4 × 10^-6 को कर देंगे एंड देन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। And R क्या होगा इस बार, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो ये डायगोनल है ना, कुछ बच्चे 4 इस्तेमाल कर लेते हैं 16 लिख लेते हैं। गरीबो अगर ये 4 है ये 4 है तो ये 4 थोड़ा होगा। तो बेसिक ट्रिक क्या करना है, ये अगर ये 4 है ये 4 है तो इट विल बी 4√2। आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, इट इज 4 तो 4√2। मैं बेसिकली यहां लिख देता हूं, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल नहीं अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ये 3 है ये 3 है तो इट विल बी 3√2। डायगोनल जो होता है वो हमेशा इसका रूट 2 आएगा, लाइक अगर दोनों बराबर है तो, अगर बराबर नहीं है तो आपको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ये 4√2 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये 5 था अपने पास ये 5 था तो इट विल बी 5√2 राइट। सिमिलरली कि अगर ये 4 है ये 4 है तो ये 4√2 हो जाएगा। तो अब जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में, इट इज 4√2 ना, तो 4√2 का स्क्वायर करेंगे, तो 4√2 का स्क्वायर इट विल बिकम k इनटू एज इट इज लिख देता हूं सब कुछ, आप ऊपर का खुद ही सॉल्व करोगे, × 10^-6 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो अब स्क्वायर जो होता है तो 4 का अलग स्क्वायर √2 का अलग स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इज 16 इनटू में आता है यहां पे √2 का स्क्वायर इज √2 इनटू में √2 इज 2 है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इट विल बी कितना 16 × 32। अब इसको सॉल्व करके अब आंसर निकाल लोगे। अब ये हमारा निकल गया FA। जैसे ही हमने तीनों मैग्नीट्यूड निकाल लिया, FA FB FC निकाल लिया, तो अब क्या करना है, वेक्टर सम का इस्तेमाल। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा ट्रिक है, बेसिक ट्रिक है, बस ध्यान देना। तो गांव वालों अगर एफ डी इधर क्यों लग रहा है, एफ ए इधर क्यों लग रहा है और ये इधर क्यों लग रहा है, तो सारे तीन वेक्टर आ गए ना, तो पहले हम दो को सॉल्व करेंगे, किन दोनों को, जो 90° बना रहे हैं, एफ ए एफ डी को और एफ बी को, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90°, तो इन दोनों वेक्टर्स लगा देंगे और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहां आएगा, इस वाले लाइन पे, इसका नाम दे देंगे एफ बी डी। बी और डी का रिजल्टेंट इसी लाइन पे आएगा ना, बीचों बीच ही तो आता है, तो ये एफ बी डी हो गया। अब एफ बी डी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम लगाओगे आप, है ना, अकॉर्डिंग टू वेक्टर सम, वेक्टर सम हमें क्या मिलेगा, जो एफ बी डी है वो इट विल बी एफ बी का स्क्वायर प्लस में एफ डी का स्क्वायर प्लस में 2 एफ बी एफ डी cos थीटा, cos थीटा इज cos 90, cos 90 इज 1 राइट। तो इन इस वेक्टर को सॉल्व करके हम एफ बी डी निकाल लेंगे एंड नाउ ये पहला स्टेप हो गया वेक्टर सम में। दूसरा स्टेप क्या है कि अब एफ बी डी और एफ ए दोनों सेम लाइन पे, तो जब भी कोई दो वेक्टर सेम लाइन पे हो तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो जो एफ नेट आएगा इन दोनों को जोड़ के, किस किस को, एफ बी डी को और एफ ए को जोड़ के, इट विल बी एफ बी डी प्लस में एफ ए, डायरेक्टली आप जोड़ देना आंसर निकल जाएगा राइट। तो आप खुद ही फाइंड करोगे। अब एक चीज हो जाए, देखिए मैं थोड़ा सा वेक्टर का बता देना चाहता हूं यहाँ पे, देख अगर अपने पास दो वेक्टर है एफ ए है और बी है, ये ए है ये बी है, बीच में एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट आता है इन दोनों वेक्टर को जोड़ने का सम करने पे वो आएगा बीचों बीच, इट विल बी आर, एंड आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 ए बी कॉस थीटा राइट। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते बिना वेक्टर लॉ का इस्तेमाल किए, लेकिन ये पहला था। दूसरा अपने पास अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ए बी इधर ही था और बी भी इधर ही था, ए था और बी था, अब रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट भी इसी लाइन पे आएगा आगे की ओर, एंड आर विल बी, आर का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ए प्लस में बी, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो सेम लाइन पे राइट। एंड तीसरा एंड लास्ट, अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो जैसे कि मान लीजिए एक इधर की ओर है ए एंड एक इधर की ओर है बी, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, रिजल्टेंट आएगा जो बड़ा वाला होगा उधर की तरफ, मैं मान लेता हूं यहाँ पे ए वेक्टर जो है वो ग्रेटर देन बी वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, बड़े वाले की तरफ आएगा है ना, तो इट विल बी इधर की तरफ, रिजल्टेंट इधर आएगा और रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इधर सेम डायरेक्शन में तो प्लस करते हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं, तो इट विल बी बी बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, ए माइनस बी राइट। ऐसे करके वेक्टर जोड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं, और अगर एंगल हो तो फॉर्मूला लगा देते हैं, गॉट इट। तो मैं जल्दी चढ़ जाता हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो गावालो नाउ अपने पास दूसरा टॉपिक है फोर्स ऑन चार्जेस इन अ मीडियम राइट। तो मैं सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूं, अपने पास दूसरा है फोर्स ऑन चार्जेस
इन अ मीडियम। अगर किसी चार्जेस को मीडियम में रख दिया जाए, मीडियम मतलब हम आइदर पानी में रख सकते हैं, वाटर में रख सकते हैं, ऑयल में रख सकते हैं, राइट, किसी मीडियम में रख देंगे तो क्या होगा फोर्स पे। तो फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए अपने पास मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, एक 6 माइक्रो कूलम का ले लेते हैं और दूसरा 2 मीटर की दूरी पे 4 माइक्रो कूलम का चार्ज ले लेते हैं, राइट। हमने एक बेसिक एग्जांपल ले लिया। फिलहाल इसको कहां रखा हुआ है, एयर में। जब हवा में रखा होता है, एयर में रखा होता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अपने पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लगा लो, इट वाज एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। ये तो था फोर्स का फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आ रहा है। तो k की जगह हम कितना लिखेंगे, 9 into 10 की पावर 9 ना, और q1 is 6 माइक्रो कूलम। 6 माइक्रो कूलम मतलब 6 into 10 की पावर minus 6 into में 4 माइक्रो कूलम, q2 is 4 माइक्रो कूलम ना, तो इट इज 4 into 10 की पावर minus 6 divided by r square। r square मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का स्क्वायर, इट इज 2 मीटर, 2 मीटर का स्क्वायर इज 4 मीटर। तो 4 4 से कैंसिल आउट, अभी कितना आ रहा है, 9 6 जा 54 into 10 की पावर minus 6, minus 6 is minus 12, राइट, and minus 12 plus 9 is minus 12 plus 9 is minus 3, right? तो इतना न्यूटन हमारा फोर्स लग रहा था, कब, जब वो एयर में प्लेस था। इसको मैं F एयर लिख देता हूँ, जब वो एयर में, right? और अब क्वेश्चन में बोला जाए कि सेम चार्ज को उठाया और किसी मीडियम में रख दिया, मीडियम इन द सेंस किसी भी मीडियम में, वाटर में रख दिया। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर फिल कर दिया, पूरे में वाटर फिल कर दिया, इसमें वाटर है, एंड हमने इस चार्ज को उठाया, 6 और 4 को एग्जैक्टली इसमें पुट कर दिया, राइट। तो कितनी दूरी पे, सेम डिस्टेंस पे, लाइक ये 6 माइक्रो कूलम का था तो 6 माइक्रो कूलम, ये 4 माइक्रो कूलम, कुछ भी नहीं बदला, डिस्टेंस भी 2 मीटर था तो 2 मीटर ही ले लिया, बट पहले ये एयर में रखा होता, अब इसको मीडियम में रख दिया, तो फोर्स कितना लगेगा दो चार्ज के बीच में, जब वो एयर में रखा तो इट वाज एफ एयर इक्वल टू इतना, एंड जब मीडियम में डाल दिया तो कितना होगा। तो गांव वालों देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जब भी मीडियम की बात कर रहे हैं वो, तो मीडियम का हर एक मीडियम का, एवरी मीडियम हैज अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हर एक मीडियम का क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बार रिपीट कर लेना, एक वर्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और बेसिक ट्रिक होता है नॉर्मल फॉर्मूला, अगर आपसे फोर्स इन मीडियम पूछा जाए, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट अपने पास नॉर्मल फॉर्मूला है, ठीक, कि फोर्स इन मीडियम जो होता है, फोर्स इन एयर और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम k से डिनोट करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, फोर्स इन मीडियम f मीडियम इज इक्वल टू f एयर डिवाइडेड बाय k, और जो k की वैल्यू होती है, k मतलब क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, और k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ये चीज, राइट। मैं फिर बेसिकली आप दो याद कर लो, अगर मैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल की बात करूं, k ऑफ मेटल, तो k ऑफ मेटल इज इंफिनिटी, and k of water is 80, got it। तो गांव वालों अपने पास जो फॉर्मूला है फोर्स इन मीडियम का, इट इज फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय k, and k इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। एंड हमने वाटर में प्लेस किया, तो वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इट इज 80। तो हम लिखेंगे भैया, अब जो फोर्स का फॉर्मूला होगा ना, f मीडियम इज इक्वल टू हो जाएगा f एयर डिवाइडेड बाय k। तो f एयर कितना था, इतना था ना, जब हवा में रखा था तो 54 into 10 की पावर minus 3 न्यूटन था, and divided by k कर देंगे तो k is 80 ना, तो इसको divide कर देंगे, मिल जाएगा तो 0. एक को 0 यहाँ लगा देंगे, 0 cancel out, 8 से divide करेंगे तो 8 5 जा 8 6 जा, and फिर बचेगा अपने पास 4 2 6, 6 को divide करेंगे तो 7 जा जाएगा, तो 0.67 into 10 की पावर minus 3 न्यूटन। अब देखो गांव वालों, जब वो एयर में रखा तो फोर्स कितना लग रहा था, 54 into 10 की पावर माइनस 3, राइट, एंड जब वो मीडियम में गया तो 0.67 इनकी फोर्स डिक्रीज हो जाता है, गॉट इट। तो आपको याद क्या करना है, बस बेसिक ये फार्मूला याद रखना है कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इंफिनिटी एंड वाटर इज 80, राइट। एंड जब भी कोई फार्मूला आए तो पहले तो एयर में फोर्स निकाल लो, उसको डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिवाइड कर दो डायरेक्ट।